लाहौर बार की सदारत का ताज किसके सर सजेगा, कौन होगा फातह, किसकी होगी मात, सबको फैसले का इंतजार। वोटों की गिनती जारी, हामिद खान ग्रुप के आसिम चीमा और आसमा जहांगीर ग्रुप के काजी उवैस में कांटे का मुकाबला। उम्मीदवारों के अपनी अपनी जीत के दावे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बाद में बनाएंगे, पहले बाबुओं के लिए घर तो बना लें। बुजदार सरकार ने हुकूमती दावेदारों और अफसरान को नवाजने का नया तरीका ढूंढ निकाला। बहावलपुर में आला हुकूमती हुक्काम की रिहायशगाहों के लिए मजीद जमीन खरीदने का फैसला। तालीमी इदारों में मंशियात फरोख्त करने वाला 7 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। 43 लाख रुपए मालियत की आइस, चर्स और नशावर गोलियां बरामद कर ली। मुलजमान तालीमी इदारों और डांस पार्टियों में मंशियात फरोख्त करते थे। एसपी माज एएनएफ की भी कार्रवाई, तालीमी इदारों में तलबा को मंशियात फराहम करने वाली खवातीन और ख्वाजा सरा गिरफ्तार। सर्दी में गैस प्रेशर मध्यम, एलपीजी नायाब, गैस कहां से लाएं, खाना कैसे बनाएं। शादबाग आमिर रोड के रिहायशियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, मर्द खवातीन और बच्चों का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, गैस फ्राहम करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर के 24 पेट्रोल पंप्स की नीलामी का हुक्म, सरकारी अराजी की बंदरबांट नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस के सरकारी अराजी पर पेट्रोल पंप से मुतालिक केस में रिमार्क, ना किराया दिया जा रहा है ना सरकारी जमीन वापस की जा रही है, डिप्टी कमिश्नर की अदालत में रिपोर्ट। बड़ी अदालत में तीफी भट्ट की एंट्री, शक्ल देखकर बंदा पहचान जाता हूं, आप तो कन टूटे नहीं लगते। चीफ जस्टिस का तीफी भट्ट से मुकालमा। एसपीसीटी ने अदालत को बताया कि असलम नामी शख्स तीफी भट्ट का नाम लेकर अफसरान को धमकियां देता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदलिया की तस्दीक नहीं होने देंगे, दोनों अफराद को कमरा अदालत से गिरफ्तार करवा दिया, ये मेरा आदमी नहीं, तीफी भट्ट का। चीफ जस्टिस को जवाब, सिविल कोर्ट को 2 माह में प्रॉपर्टी से मुतालिक केस का फैसला करने का हुक्म। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की कानूनी हैसियत से मुतालिक केस की समाअत, वजीरे सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद सुप्रीम कोर्ट में पेश, आपके रिमार्क्स पर ऑपोजिशन ने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, वजीरे सेहत का चीफ जस्टिस से शिकवा, घबराने की जरूरत नहीं, आप काम करें, आपका किरदार काबिले तहसीन है, इस्तीफा नहीं देने देंगे, चीफ जस्टिस साकिब निसार का जवाब। सर्द मौसम में लीगी कारकुनों का पारा गर्म, कोटलखपत जेल के बाहर लीगी कारकुनों की कायद के हक में नारेबाजी। एहसन इकबाल और लॉर्ड मेयर भी इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार इमरान खान होंगे। लाखों नौकरियों का दावा करने वालों ने 4 माह में कौम को बेरोजगार कर दिया। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना, जाती मालिक डॉक्टर अदनान ने रिपोर्ट चेक की, नवाज शरीफ के बाएं बाजू में दर्द की तशखीस जरूरी है, टेस्ट की रिपोर्ट आने पर अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला करेंगे डॉक्टर अदनान। जेल हुक्काम का कहना है कि जाती मुआलजी ने ब्लड टेस्ट तजवीज किया है, तमाम रिपोर्ट ठीक है, जेल से बाहर अस्पताल में दाखिल करने की कोई तजवीज नहीं दी गई। और दी एजुकेटर स्कूल अलरोफ कैंपस के जेर तमाम, समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल्चरल फेस्टिवल, तलबा की रंगारंग परफॉर्मेंसेज में सकाफत के रंग नुमाया, सुबाई वजीर सनत और तजारत नियाज़ इकबाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत।